कोरोना महामारी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जो है लॉकडाउन किए हैं वहीं पे संत कबीर नगर में जो है उसको लेकर जो है पूरी प्रशासन सख्त है। हमारे साथ अपर जिलाधिकारी हैं, जानना चाहेंगे क्या क्या इस समय व्यवस्था किया गया है और इस समय नगर पालिका पे हम खड़े हैं सर, क्या क्या व्यवस्था किया गया है जनता के लिए? जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है, तो जो आवश्यक सेवाओं की जो दुकानें हैं या उन सब चीज़ों को छोड़ करके सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग जनपद में जो भी बाहर से लोग आए हुए हैं, चाहे वो विदेश से आए हुए हों चाहे अन्य प्रांतों से आए हों, उनका हम लोगों ने चिन्हीकरण किया हुआ है। उनको उनके परिवार में ही एक अलग कमरे में रखा जा रहा है ताकि किसी को किसी तरह की समस्याएं ना हो। हमारी टीमें बनी है, ब्लैक वार दो टीमें बनी है, वो टीम जाकर के उन लोगों का घरों पर स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और अभी तक हमारे जनपद में ऐसा कोई संदिग्ध प्रकरण नहीं आया है। फिर भी हम लोग स्थिति पे नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग नगर पालिका नगर पंचायतों में क्योंकि घनी आबादी होती है तो डोर टू डोर हम लोग सब्जी फल ये सब उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग वाहन से भी डोर टू डोर जो खाने का अनाज होता है उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रभावित जो परिवार हैं जिनके लोग बाहर से आए हैं उनको हम लोग प्राथमिक स्तर पर उनको मास्क और सैनिटाइजर उनको उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो जो भी दिशा निर्देश है गाइडलाइंस है कि वो हाथ धुल करके अपना साफ सफाई से रहें या सैनिटाइजर का यूज करें उसका वो पालन कर सके कि किसी भी परिस्थिति में ये समस्या हमारे यहाँ ना बढ़े। तो कुल मिला जुला के आप देख सकते हैं कि पीछे सड़क है, सड़क पे जो है सन्नाटा भी पसरा हुआ है, पूरे प्रशासन मुस्तैद है और कोरोना वायरस को लेकर संत कबीर नगर की पुलिस प्रशासन से लेकर सारे विभाग सतर्क हैं। संत कबीर नगर से पंजाब केसरी के लिए पंकज गुप्ता।